तो सिलेक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा कि वीवीए के अंदर हम रेंज को कैसे कॉल करेंगे, कैसे उसको हम टाइप करेंगे, कैसे उस पर हम फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात आती है कि हम एक एरिया को कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने एक सिंगल सेल सिलेक्शन के बारे में जान लिया कि वो होता है रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, सिंगल सेल सिलेक्शन हुआ है, ओके। लेकिन मुझे एक A1 से लेके I-19 तक करना है तो हमें दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है एक्सेल का तरीका कि A1 से लेके I-19 डॉट सेलेक्ट, या यहाँ पे सिलेक्ट हुआ एक्टिवेट नहीं हो सकता क्योंकि मोर देन वन सेल। दूसरा तरीका है जो VVA का तरीका है, जो VVA मेथड हम लोग कहते हैं कि A1 फिर कॉमा फिर A19। जब आपको डायनेमिक सिलेक्शन करना होगा तो इसी का यूज करना होगा। तो ये होगा स्टार्टिंग पोजीशन, ये होगा एंडिंग पोजीशन। मतलब एक्सेल में क्या करेगा कि यहाँ पे क्लिक करेगा, शिफ्ट की को प्रेस करेगा और A19 को क्लिक करेगा, आप पूरा डेटा आपका सिलेक्ट कर लेगा। अगर इसमें कोई वैल्यू कहीं पे मिस नहीं है तो हम करंट रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें हम बताते हैं आपको आगे। तो ये आपका सिलेक्शन हुआ। अब मान लीजिए कि आपको ऑटो सेलेक्ट करना है तो दो चीज है, एक होता है आप यहाँ पे रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, और बताइए कि अगर बीच में ब्लैंक, पूरी की पूरी रो ब्लैंक हुई या पूरा का पूरा आपका कॉलम ब्लैंक हुआ तो करेंट रीजन वर्क नहीं करेगा। अगर पूरी सीट सेलेक्ट करनी हो यहाँ पे क्लिक करके, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है सेल्स डॉट सेलेक्ट, ये आपकी पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट कर देगा, ओके। इसके इसमें ये सारे रोज एंड कॉलम्स को कॉल कर रहा है, मतलब हमारा कोई एरिया नहीं है सिलेक्ट, तब हमने सेल्स किया ना जी, ठीक। तो पूरी की पूरी सेल्स को ये सिलेक्ट कर रहा है, राइट। करेक्ट। अब बात आती है कर्सर मूव करने की, कि मुझे कर्सर ले जाना है, तो जैसे हम एरो की से ले जाते हैं तो जनरली तो आप A1, B1, C1 पर इस तरह से ले जा सकते हैं, जिस पे ले जाना उस पे ले जा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डायनेमिक करना है, मुझे सबसे लास्ट में जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कोड लिखेंगे याद है आपको, रेंज A1 एक्सेल टू डाउन एंड डॉट एंड एक्सेल टू डाउन, या एक्सेल डाउन, एक्सेल टू नहीं है, टू लेफ्ट और राइट में होता है, एक्सेल डाउन है, एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि यहाँ पे कर्सर रखेगा और कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कर देगा, ऐसे यहाँ पे डाउन की जगह पे टू लेफ्ट टू राइट टू अप है, जैसे डालोगे वैसे कर दोगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, क्या प्रॉब्लम है कि अगर बीच में ब्लैंक हुआ तो आपका वहीं पे आके रुक जाएगा, बहुत सारे ब्लैंक हुए तब क्या करेंगे, तब क्या मेथड है पता है आपको मैम, रेंज A1 टू देन डॉट एंड नहीं A65000 के नीचे कुछ भी नहीं, A1 नहीं लिखेंगे हम, जो 65 देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैनुअल समझे क्या होगा, हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ A 65000 पे या 10 लाख जो भी आप ले लीजिए, सबसे नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ पे कंट्रोल और अप एरो यूज करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे रेंज A 65000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट सेलेक्ट, ठीक है। हालांकि एक और कोड है उसका भी यूज हम कर सकते हैं, वो क्या होता है कि रेंज A1 डॉट एक यूज्ड सेल का होता है, आई थिंक नहीं है वो, गलत है वो, अलग है उस पर अलग पे आता है, एक होता यूज्ड सेल,
यूज स्टैंडर्ड हाइट और ब्रेड्थ, नहीं इसमें नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। यूज का तरीका मेथड थोड़ा अलग है। देखो मेथड काम नहीं करता, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कुछ टाइप कर रखा है, यहाँ टाइप कर दिया ना आपने, तो यूज सेल इसको भी ले लेगा, समझे, इसको भी सिलेक्शन ले लेगा। तो फिलहाल इसको छोड़िए। तो यहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि मुझे यहाँ इससे हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं तो कर्सर सबसे लास्ट में आ जाता है, आ जाता है ना, यूज सेल के लास्ट में आता है। इसका कोड क्या हो सकता है? अब इसकी कोड हमेशा याद नहीं रहती है, मुझे भी बहुत कम याद होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो A1 पे कर्सर रखा और कंट्रोल एंड हमने प्रेस किया, कंट्रोल होम हमने प्रेस किया। स्टॉप करते हैं मैक्रो, यहाँ यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं। एक्टिव सेल स्पेशल सेल्स लास्ट सेल, दिख रहा है ना आपको, लास्ट सेल सिलेक्शन हुआ, लेकिन होम का तो आया नहीं इसमें, तो कंट्रोल होम करते हैं। कंट्रोल होम का कोई कोड नहीं होता है, तो जनरेट नहीं करता है। लेकिन एक चीज हो सकता है, जब हम लोग इस पे होम पे आते हैं तो एडिटिंग के अंदर में, फाइनेंस सेलेक्ट के अंदर में हमारे पास होता है गो टू स्पेशल, यहाँ पे लास्ट सेल का तो ऑप्शन है, हाँ इसमें फर्स्ट सेल का ऑप्शन नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि मुझे सबसे लास्ट में, मतलब एक एक सेल नीचे आना है, नेक्स्ट मतलब कि जहाँ लास्ट है, मतलब समझिए कि अगली ब्लैंक सेल पे जाना है, मतलब जाना है मुझे, हमें कुछ नीचे टाइप करना है, मैंने हमारा डेटा A19 में ख़त्म हो रहा है, A20 में कुछ टाइप करना है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में यहाँ देंगे, यहाँ पे आपका जो ऊपर है ना ऐसे ऐड ले लीजिए, पैसा लगा के ले लीजिए, हम यहाँ क्या लगाएंगे, ऑफसेट का फॉर्मूला, ऑफसेट 1,0। अब 1,0 क्यों किया हमने, 1 रो एंड 0 कॉलम, कॉलम सेम रखना है। अगर मैं यहाँ पे अगर -1 कर दिया तब क्या होगा, वो एक से ऊपर जी हाँ, माइनस ऊपर जाता है प्लस नीचे आता है, रो एंड कॉलम दोनों के लिए इफेक्टिव होता है। अब यहां पे एक चीज और करते हैं कि अब मुझे पता मिला जो है, मुझे सिलेक्शन करना है तो कैसे करें डेटा, ये तो एक, इसको डेटा को मुझे कर्सर ले जाना है, मुझे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी करना है, तो ये तो दोनों कोड को हम यूज करेंगे इस मेथड में, सॉरी यहां पे इस मेथड में, एंडिंग एंड स्टार्टिंग एंड एंड में रेंज A1 हमें पता है कि हमारा स्टार्ट है, फिक्स है हमारा। अब मुझे ये पता नहीं कि यहाँ से लास्ट में I14 है या J14 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कोड को इसमें मर्ज कर देंगे, दो कोड को यहाँ मर्ज कर रहे हैं, A1.AND=LEFT, ठीक है, और देन सेलेक्ट, तो ये क्या करेगा कि यहां से कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो की दबा देगा, राइट एरो की होगा ना, एक्सेल टू राइट होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा, राइट होगा ना जी, मैम ये लेफ्ट राइट में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओके, अब नीचे हम यहां करेंगे रेंज सिलेक्शन, selection.AND=XL down, और यहां पे डॉट
सेलेक्ट कर दिया। तो दोनों कोड जब इकट्ठा लिखेंगे तब क्या, सॉरी इसी ब्रैकेट को छूट गया, तब क्या होगा कि ये यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो एंड डाउन एरो प्रेस कर देगा। क्लियर है? एक्सेल डाउन होगा, एक्सेल इस डाउन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बड़ी कैपिटल लेटर में था तो कोड गलत था, ध्यान रखिएगा इसका। अब देखिए हो गया ना, टच लेटर में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ भी ब्लैंक है और आपका ऊपर भी ब्लैंक है तो कुछ ऐसा करेगी दोनों सेलेक्ट हो जाए। तो उस केस में हम यहाँ लिखेंगे रेंज ए वन, नहीं यहाँ पे दो वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे कि आर इक्वल टू रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप एंड डॉट रो। फिर यहाँ पे करेंगे सी रेंज ए, यहाँ पे करेंगे एक्स एफ डी वन डॉट एंड टू लेफ्ट, ठीक है ना, डॉट कॉल। ये हो क्या होगा कि जो नीचे से ऊपर आएगा और यहाँ इसका जो रो नंबर है आर के ऊपर स्टोर कर देगा और सबसे लास्ट में जाएगा एक्स एफ डी वन पे और यहाँ से लेफ्ट में आएगा इसका कॉलम नंबर। इसका कॉलम नंबर एंड रो नंबर हमारे पास है तो हम इसमें रेंज और सेल की मदद लेंगे, लिखेंगे रेंज ए वन कॉमा सेल्स वन कॉमा जी वन, नहीं माफ कीजिएगा, आर कॉमा सी डॉट सेलेक्ट, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ध्यान रखिए हाँ नंबर दे दिए क्योंकि ए वन बी वन सी वन पे चलता है ना, यहाँ पे ए वन वन में बताया था आपको ना रो नंबर एंड कॉलम नंबर। जैसे यहाँ पे अगर फाइव दे दिया, थ्री दे दिया तो आपका फाइव नंबर कॉलम पे जाएगा, थ्री नंबर रो पे जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक चीज ऐसी दी थी जैसे अगर ये आई का फर्स्ट जो है आई वन अगर वो ब्लैंक हो, हाँ ए ब्लैंक है तो आपको दिखना पड़ेगा, तब आपका कंट्रोल ए है ना इसके लिए। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो कंट्रोल ए भी तो कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? नहीं आपको देखिए कोई एक एक कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए और ये रो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक है तो फिल कर दीजिए मैनुअली। ब्लैंक है तो क्या कर फिल कर, आप दो ऑप्शन है, एक तो आप नहीं तो आप ब्लैंक आपको दिख रहा है कि सिर्फ ब्लैंक है तो आप कंट्रोल ए ले लीजिए, करेंट रीजन है ना ये आपका, इस कोड को यूज कीजिए। नहीं आपको इसी कोड को यूज करने का मजबूरी है तो फिर आपको इसमें फिल करना पड़ेगा, कोई एक कॉलम ढूंढना पड़ेगा जिसमें फिल है। देखिए कॉलम में देखिए ध्यान रखिएगा कि कोई एक कॉलम ऐसा देखिए जिसमें डेटा फिल हो और कोई एक रो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ही हो, इस पे ही हो, वो यहाँ भी हो सकता है कि ये दिख रहा आपका फिल है इसी का कोड ले लीजिए। डेटा में ऐसा थोड़ी होता है कि कोई ना कोई डेटा तो यूनिक होता है ना, तो इसको लेके चलिए, ठीक है। ए वन के जगह पे एक्स एफ डी वन के जगह पे एक्स एफ डी सेवन कर दीजिए, क्लियर है, इसमें कोई डाउट? इसमें ना आ गया आपको ना? हाँ जी, हाँ जी। तो रेंज के ऊपर कैसे हम हैंडल करते हैं ये आपको ने समझ लिया, कोई डाउट इसमें नहीं है? नहीं यहाँ पे ठीक है, एक बार उसको खुद से करके देखेंगे थोड़ा, खुद से करके देखेंगे उसके बाद जो है आपको एक और अगली क्लास कल हमारी क्लास होगी उसके लिए आपको एक चीज और करना होगा, आपको एक फॉर्म डिजाइन करके लाना होगा। आप इमेज पे जाएं एक अच्छा सा फॉर्म देख ले, सीधे देखिए ये फॉर्म देख ले, ठीक है ना, सीट के ऊपर डिजाइन करना है समझे, कोई एक फॉर्म डिजाइन करके मुझे आप मेल करेंगे क्योंकि अगली टॉपिक में इसी पे कराऊंगा,
क्लियर मैम? ओके अब अगली टॉपिक क्या होगा बताता हूँ आपको। ये होगा क्या कि आपके पास एक मान लीजिए फॉर्म है जो कि आपने डिजाइन किया और एक डेटा है आपके पास, तो आप फॉर्म में जो डेटा फिल करेंगे यहाँ पे जो वर्क है सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और डेटा दूसरे सीट पे एक के नीचे इस तरह से टाइप होते जाएगा, समझे? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें हम ये आपका जो आज की जो मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे और साथ में, लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो अगर मैं क्लास में बनाने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो आप एक अट्रैक्टिव फॉर्म बना के मुझे भेजिए तो मैं उसी पे आपको बताऊंगा। जैसे ये देखिए, ये लीजिए, एक अच्छा सा बना के मुझे भेजिए, क्योंकि आगे चल के जब आप इसको ऑफिस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो फॉर्म तो बनाना ही पड़ेगा ना आपको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक, ठीक है।